नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक बार फिर से भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता व अखंडता का नजारा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर जो निर्देश दिया गया था, इसी निर्देश के तहत कहा गया था कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोग जनता कर्फ्यू का पालन करें। देश के विभिन्न क्षेत्र के साथ साथ कछाड़, करीमगंज, हैलाकांदी जिला तथा सिलचर शहर में भी लोगों ने तहे दिल से इस निर्देश को माना और सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में राजमार्ग पर सुनसान राजमार्ग देखने को मिला। सूत्र के अनुसार कछाड़ जिले के करीमगंज तथा हैलाकांदी व कई और जिले में भी यह कार्यक्रम पालन किया गया। भारत सरकार के निर्देश के आधार पर सिलचर शहर के तारापुर, एनडी कॉलोनी, इंडिया क्लब, भावेल पॉइंट, सेंट्रल रोड, लिंक रोड, प्रेमतोला तथा हैलाकांदी रोड, करीमगंज रोड व शहर के रोजमर्रे की भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में भी राजमार्ग पर एक भी वाहन या लोगों को देखने को नहीं मिला। हालांकि कई क्षेत्र में इमरजेंसी चिकित्सा परिसेवा व दूसरे जरूरतमंद सामानों का भी मुहैया होते देखा गया। कुल मिलाकर लोगों ने तहे दिल से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू को पालन किया और वायरस के रोकथाम में प्रधानमंत्री का हाथ बटाया। देश में वायरस फैलने के इस प्रयास को रोकने के क्षेत्र में आम जनता जिस तरीके से सहयोगिता प्रदान किए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतवर्ष में एक बार फिर से राष्ट्रीय एकता व अखंडता का जो मिसाल है कायम करने में लोग कामयाब हुए हैं। टाइगर से कैरेक्टर डिफरेंस आसे आगते जिस टाइगर से कोनो एकटा पॉलिटिकल पार्टी डाके से कोनो एकटा इशू रेगिस्टर पर आसे राजीव जी बंद आसे आजिर जी कारपु आसे तो मानो हेच्छा करिसे तलक सुरक्षा बारे करिसे আগরটা আসে একটা পলিটিক্যাল ইস্যু ফাইট এগেনস্ট সাম পার্টিকুলার ইস্যু কোনো একটা ইস্যু লই একটা ফাইট আসে কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টির এগেনস্টত কোনো গভর্নমেন্টর এগেনস্টত আজি ফাইট কার এগেনস্টত এটা ভাইরাসের এগেনস্টত ফাইট এই ভাইরাসের এগেনস্টর ফাইটর যে অংশীদার হয়েছে আজি শিলচর মানুষ গোটা ভারতের লগত তো এখন মই আছে জার্নালিস্ট যে বেলেগ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আজি হ্যাঁ মানুষ স্বেচ্ছায় একটা মানুষ মানে বাইরত নাই সবে ঘর নিজক স্বেচ্ছায় বন্দী করেছে ই এখন বেলা এক্সপিরিয়েন্স সেই কারণে আজির বন্ধ সার্থক হয়েছে আজির কার্ফিউ সার্থক হয়েছে সঠিক অর্থে যখন জনতার কার্ফিউ প্রধানমন্ত্রী কইছে ফর দ্য পিপুল অফ দ্য ফর দ্য পিপুল ফর দ্য নেশন আজি এখন জাস্টিফাই হয়েছে মানুষ মানি লৈছে আর একটা লক্ষণীয় বিষয় হল কি যে সেলফ আইসোলেশনের যে কনসেপ্ট মানে আমি আমাক সরকার রাখি আইসোলেট করব লাগে এখনো আজি ফুলফিল হয়েছে আর এই কার্ফিউ আরও হব লাগে তেনে হলে আমি এই ভাইরাসের পৰা রক্ষা পাম।